नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित के आर टी आर्ट्स बी एच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा एमए प्रथम वर्ष सेमिस्टर प्रथम प्रश्न पत्र क्रमांक 3 भारतीय काव्यशास्त्र। आज हम इकाई 1 के अंतर्गत भारतीय काव्यशास्त्र इस विषय के पाठ्यक्रम की जानकारी लेने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। पाठ्यक्रम सन 2020-21 से यह लागू हुआ है। आपका यह प्रथम आयन है अर्थात फर्स्ट सेमिस्टर। कुल 4 प्रश्न पत्रों का आपको अध्ययन करना है। उसमें से प्रश्न पत्र क्रमांक 3 विषय है भारतीय काव्यशास्त्र। प्रत्येक विषय के लिए 4 क्रमांक अर्थात क्रेडिट निहित किए गए हैं। इसलिए भारतीय काव्यशास्त्र इस विषय के लिए भी 4 क्रेडिट दिए गए हैं। भारतीय काव्यशास्त्र इस विषय का अध्ययन करने के कुछ उद्देश्य है जो छात्रों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य है भारतीय काव्यशास्त्र के विकास क्रम का परिचय देना। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों से छात्रों को अवगत कराना। रचना वैशिष्ट और मूल्य बोध को परखने की क्षमता को विकसित करना और छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, यह उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का है। अर्थात भारतीय काव्यधारा काव्यशास्त्र इस विषय से संबंधित संस्कृत के आचार्य, हिंदी साहित्य के आचार्य और उसमें अभिव्यक्त विचारों का अध्ययन हमें इस विषय के अंतर्गत करना है। अलग अलग काव्य को लेकर जो संप्रदाय बने हुए हैं, चिंतन मनन की जो शाखाएं निर्माण हुई है, उनका भी हमें गहराई से अध्ययन करना है। देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा। इकाई 1 के अंतर्गत भारतीय काव्यशास्त्र का विकास क्रम किस प्रकार हुआ है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। भरत मुनि के रस सिद्धांत को लेकर ही उनके बाद के सभी आचार्यों ने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। इसलिए भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त रस सिद्धांत यही हमें सबसे महत्वपूर्ण विचार का चिंतन का विषय बना हुआ है। तो हमें इकाई 1 के अंतर्गत रस सिद्धांत देखना है, जिसमें रस का स्वरूप, रस के अंग, रस निष्पत्ति के सिद्धांत अर्थात आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त आदि विद्वानों द्वारा रस सिद्धांत पर अपनी जो चिंतन है, शाखा है, विचार है, उन्हें हमें देखना है। इसके साथ साधारणीकरण की अवधारणा इस बिंदु का भी अध्ययन हमें इकाई 1 के अंतर्गत करना है। इकाई 2 जिसमें हमें अलंकार सिद्धांत में परिभाषा देखनी है, उसके स्वरूप पर चर्चा करनी है और अलंकारों के भेद यह भी हमें देखना है। काव्य में अलंकारों का क्या महत्व होता है, इस पर भी हम इस इकाई के अंतर्गत प्रकाश डालने वाले हैं। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत रीति सिद्धांत यह भी देखना है, जिसमें रीति की अवधारणा, रीति के भेद, काव्य गुण, रीति एवं शैली
इन बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है। इकाई तीन, इस इकाई में हमें वक्रोक्ति सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद, इनका अध्ययन करना है। साथ ही ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख भेद, ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद, इन बिंदुओं को भी सूक्ष्मता से हमें इकाई तीन के अंतर्गत देखना है। इकाई चार, जिसमें औचित्य सिद्धांत का अध्ययन करना है। औचित्य सिद्धांत का स्वरूप किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार है, औचित्य के भेद कौन कौन से हैं, काव्य में औचित्य की अनिवार्यता क्यों है, कई सारे प्रश्न और उससे संबंधित जो ज्ञान है वह हमें इकाई चार के अंतर्गत प्राप्त करना है। इस प्रकार चार इकाइयों में भारतीय काव्य शास्त्र इस विषय का पाठ्यक्रम हमें देखना है। अब इस विषय के अध्ययन के उपरांत हमें यह प्रश्न पत्र का अंक विभाजन कैसा है तो वह देखते हैं। कुल या पूर्णांक 100 अंक है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन 50 अंकों का होगा, लघुत्तरी परीक्षा 20 अंकों की, आपको शोध परियोजना इस विषय से संबंधित दी जाएगी वह 20 अंकों के लिए होगी, और उसी शोध परियोजना का आपको प्रस्तुतिकरण देना होगा उसे 10 अंक है। इस प्रकार कुल 50 अंक आपके विभाग द्वारा आपको दिए जाएंगे। इसका मूल्यांकन विभाग द्वारा, महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। सत्र के अंत में आपकी 50 अंकों की परीक्षा होगी, वह इस प्रकार उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 लिखना है, और इन प्रश्नों के लिए 10 अंक है, कुल 40 अंक हो जाते हैं। साथ ही 2 टिप्पणियां दी जाएगी 5 अंकों के लिए, इसके भी अंक बन जाते हैं 10, 40 और 10, सत्रांत परीक्षा हो जाती है 50 अंकों की, और आंतरिक मूल्यांकन होता है 50 अंकों का। इस प्रकार आपको कुल 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र रहेगा। अब इस विषय का अध्ययन करते समय हम जिन संदर्भ ग्रंथों का आधार लेने वाले हैं वह इस प्रकार रहेंगे। भारतीय साहित्य शास्त्र, इसके लेखक है आचार्य बलदेव उपाध्याय। अगली किताब रहेगी काव्य शास्त्र की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय काव्य शास्त्र, सत्यदेव चौधरी। काव्य शास्त्र, भगीरथ मिश्र। भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय समीक्षा के सिद्धांत, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत द्वारा लिखित यह किताब है। भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर विश्वंबरनाथ उपाध्याय। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा लिखित यह एक प्रमुख किताब हमें संदर्भ के लिए रहेगी। साथ ही अन्य कुछ किताबें भी है, विश्व साहित्य शास्त्र नगेंद्र द्वारा लिखित है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित यह किताब है, साहित्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखित है, और भारतीय काव्य शास्त्र आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित यह किताब है। इस प्रकार प्रस्तुत विषय का अध्ययन हम इन किताबों के आधार पर करने वाले हैं।
जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इस में दिए हुई जो महत्वपूर्ण इकाइयां है उनसे संबंधित विषय जो है उनका हम सूक्ष्मता से अध्ययन आने वाली तासिकाओं में करने वाले हैं। इस प्रकार हमारा यह पाठ्यक्रम परिचय रहा है। धन्यवाद।